नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगस्त से लेके दिसंबर तक कैसा जाने वाला है, लगभग 6 महीने मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातक के साथ अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा, जो भी है देखेंगे समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन परेशान मत होइएगा। पूरा प्रयास है कि जितना काम की बात है उतने काम की बातों को ही बताया जाएगा, लेकिन आपसे प्रार्थना है कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिएगा, तो जानेंगे समझेंगे आगे के 6 महीने कैसे रहेंगे और पीछे की भी घटना आपके साथ क्या हुआ उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी अध्ययन करेंगे, उसको भी देखेंगे। पास्ट की चीज़ों को देखने समझने से थोड़ा ट्रस्ट बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बार बता दूँ, जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि दुनिया में जितने मिथुन राशि वाले सबके साथ वही होगा जो मैं बता रहा हूँ, जो कि संभव नहीं है। वो निर्भर करता बाकी ग्रह कैसे, उस पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए शनि का तो यहीं पे शनि बैठे हुए, शनि में कोई चेंज नहीं आने वाला है और राहु में भी कोई चेंज नहीं आएगा, बृहस्पति में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, तो देखा जाए तो अगर पास्ट की बात करें, लगभग फरवरी भी ऐसा ही था, जनवरी फरवरी ऐसा ही था, मार्च से बात कर रहे हैं। मार्च में क्या था, शनि सूर्य और बुध साथ में थे, मतलब मार्च में शनि के साथ सूर्य थे और बुध भी साथ में थे। यहाँ पे तो शनि के साथ सूर्य थे, जिस वजह से थोड़ा सा दिक्कत शनि को हुआ, थोड़ा कम शनि थोड़े से कमजोर हुए। तो जिस वजह से आपने मार्च के महीने में आपने देखा होगा आपके साथ मिथुन राशि वाले अचानक से कुछ दिक्कतें आ गई थी, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको काफी दिक्कत आया, किसी की वजह से आपको काफी दिक्कत हुआ, ये चीज आपको देखने को मिला होगा। हो सकता है स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कतें आपको मार्च के महीने में मिला हो और भाग्य का भाग्य में भी कमी आया था, तो कोई काम बनते बनते रह गया होगा, किसी काम के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा। ये मार्च के महीने का अपडेट है। अब आते हैं अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में क्या था, गुरु बुध के साथ आ गए थे, यहाँ पे गुरु है ना, यहाँ बुध आ गए थे, मतलब देवगुरु बृहस्पति थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे, जिस वजह से आपके कार्य क्षेत्र में भी अप्रैल के महीने में कार्य क्षेत्र में भी काफी दिक्कत देखने को मिला होगा, आपके जॉब में आपके बिजनेस में दिक्कत देखने को मिला होगा। और राहु सूर्य शुक्र थे, मतलब राहु के साथ सूर्य भी आ गए थे और शुक्र भी आ गए थे, तो राहु ने सूर्य को इफेक्ट किया, तो शुक्र को इफेक्ट किया, राहु ने सूर्य को इफेक्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राहु शुक्र के साथ थे, जब राहु शुक्र के साथ थे तो थोड़ा बहुत तो शुक्र को बल राहु दिए होंगे, तो जिस वजह से 12वें घर को बल दिए, तो अप्रैल के महीने में एक्स्ट्रा अफेयर के कुछ चांसेस बढ़े होंगे या लव लाइफ की तरफ कुछ चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हुई होंगी। ठीक है, और शनि मंगल का योग तो ऐसे ही था, शनि के साथ मंगल थे तो छठे घर को डिस्टर्ब किए, तो कुछ पैसा वगैरह आपका फंस गया होगा, कुछ धोखे वगैरह आपके साथ हुए होंगे, कुछ ऑनलाइन स्कैम हुआ होगा या किसी न किसी उलझन में आप पड़े होंगे। ये अप्रैल महीने का मैंने आपको अपडेट दिया मिथुन राशि वाले। अब आते हैं मई के महीने में गुरु की स्थिति बहुत शानदार हो गई थी सूर्य के साथ, तो मई के महीने में आपके लव लाइफ पर्सनल लाइफ मैरिज लाइफ ये सब चीज़ें आपकी अच्छी हुई, वर्क काम धंधा बिजनेस वगैरह सब आपका परफेक्ट रहा मई के महीने में। हाँ, राहु मंगल बुध का योग बना, राहु मंगल का योग बना था जो कि मई के महीने में था, मतलब राहु के साथ मंगल का योग बना था, तो जो थोड़ा सा मई के महीने में क्या करता ना कि राहु के साथ छठा घर, मतलब कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़े उलझन में या लड़ाई झगड़े में कुछ इस तरह की चीज़ों में आप फंस गए थे, पड़ गए थे, जो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान दिया, क्योंकि राहु और मंगल का योग था, जिस जो ये इंडिकेट कर रहा है कि पैसे के मामलों में काफ़ी जॉब छोड़ना पड़ गया होगा आपको मई के महीने में, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिला होगा, जॉब छोड़ना पड़ गया होगा और बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव बढ़ गया हो, ये सब मई के महीने में मिला होगा। जून के महीने में देखा जाए तो जून के महीने में थोड़ा सा गुरु बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब में आ गए थे, तो जून के महीने में पर्सनल लाइफ लव लाइफ मैरिज लाइफ इन सब में बहुत लड़ाई झगड़े या बहुत कुछ दिक्कतें देखने का आपको जून के महीने में मिला होगा। और राहु मंगल का योग आपका वैसा ही था, तो राहु और मंगल का योग मतलब कि आपके चोट एक्सीडेंट के समय वैसे ही था और
इस वक्त भी आप जून के महीने में भी आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में थे। जून के महीने में बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा दिक्कत भी आपको जून के महीने में आपको देखने को मिला होगा, या नौकरी आपकी जून के महीने में गई होती। ये सारा कुछ मैंने बता दिया कि पास्ट में क्या हुआ, जिससे चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, तो देखिए अब चीज़ें जो हैं, जुलाई ऐसे ही जाएगा। अगस्त के महीने में बृहस्पति थोड़े से कमजोर हो रहे हैं, अगस्त के महीने में, तो जिस वजह से बृहस्पति की कमजोर होने की वजह से आपके वर्क में, आपके काम धंधे में, बिजनेस में, व्यापार में और पर्सनल लाइफ, मैरिज लाइफ में, इन सब में आपको दिक्कत देखने को मिलेगा अगस्त के महीने में। सितंबर को देखा जाए, सितंबर के महीने में अगस्त में शनि शुक्र का योग था, लेकिन अगस्त में शनि और अगस्त के महीने में शनि और शुक्र का योग बन रहा है, तो अगस्त के महीने में ना आप अगर सीनियर से बहुत परेशान थे तो सीनियर से आपको राहत मिल जाएगा। अगस्त के महीने अगर सीनियर आपको जहाँ जॉब करते वहाँ परेशान कर रहे थे तो उससे आपको बहुत राहत मिल जाएगा, और जो पैसे आप खर्च हो रहा था वो पैसा खर्च होना बंद हो जाएगा, बहुत राहत आपको मिल जाएगा अगस्त के महीने में, क्योंकि शनि शुक्र का योग बना था। शुक्र की भी स्थिति आपकी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है, शनि को भाग्य को बल मिला तो बहुत कुछ अच्छा, भाग्य का बल मिला तो भाग्य से संबंधित भी काम आपके अगस्त के महीने में अच्छे होंगे, तो ये चीज़ थोड़ा सा है। सितंबर के महीने में क्या होगा, सितंबर में शनि सूर्य साथ में आ रहे हैं तो भाग्य थोड़ा कमजोर होगा, तो आप सितंबर के महीने में हो सकता है कि देखने को मिले कि कहीं ना कहीं आपका भाग्य साथ ना दे, या अचानक दिक्कत आपकी लाइफ में आ सकता है सितंबर के महीने में। भाग्य साथ ना देने की वजह से आपकी नौकरी जा सकती है, थोड़ा स्ट्रगल आपका बढ़ सकता है, भाग्य में जो बहुत सारी चीजें होती है मतलब भाग्य साथ नहीं देगा। अक्टूबर में देखा जाए तो सूर्य के साथ राहु आ रहा है अक्टूबर के महीने में, तो सूर्य का कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नवंबर में गुरु और शुक्र आ रहे हैं, नवंबर में थोड़ा सा गुरु थोड़े से कमजोर होंगे, तो हल्का फुल्का नवंबर में जो सोचोगे वैसा काम आपका बनेगा नहीं, मतलब नवंबर के महीने में शुक्र जो है थोड़े से बृहस्पति की दृष्टि में आ रहे, तो वर्क क्षेत्र में, काम में, वर्क में, इन सब में, पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, इन सब में दिक्कत आपको काम में और पर्सनल लाइफ में काफ़ी दिक्कत देखने को नवंबर में मिलेगा। दिसंबर का देखा जाए तो गुरु और सूर्य है, दिसंबर के महीने में गुरु और सूर्य हैं, दिसंबर का महीना आपके लिए बड़ा शानदार जाएगा। वर्क क्षेत्र में, काम में अगर नौकरी की तलाश कर रहे हो तो नौकरी मिल जाएगा, प्रमोशन आपका हो सकता है, या अच्छे खासा आपका सेटलमेंट हो सकता है दिसंबर के महीने में। और थोड़ा सा गुरु को बल मिला है तो पर्सनल लाइफ, मैरिज लाइफ ये अच्छे होने की उम्मीद है, उसमें चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो ये सारा कुछ मैंने आपको अपडेट दे दिया कि पास्ट में चीज़ें क्या रही, आगे आपके लाइफ में क्या चीज़ें होंगी। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपको क्या देखना है ना, जिनका ये देव गुरु बृहस्पति, ये जिनका उठा हुआ है साफ सुथरा है उनके साथ तो अच्छा होगा, अब जिनका ये उठा हुआ साफ सुथरा नहीं है उनके साथ दिक्कत है। सबके साथ तो जो बताया होगा ना, जिनका बृहस्पति अच्छा होगा ना उनके साथ बहुत कुछ जो बताया हूँ मैच करेगा, अच्छा होगा तो अच्छा होगा, बुरा होगा तो थोड़ा कम अच्छा होगा, बुरा है तो फिर बहुत बुरा होगा। ये सारा चीज़ मैंने आपको अपडेट दे दिया, इसको जरूर देख लीजिएगा बृहस्पति आपके कैसे हैं। बाकी शनि को भी देखना है, इसको भी शनि मतलब शनि के पर्वत को भी आप देख सकते हैं, और बस ये दो चीज़ देखिए, सारा कुछ नहीं देख पाएंगे। बाकी आपके कुंडली में कैसे बृहस्पति हैं, कैसे शुक्र हैं, कैसे राहु हैं, बाकी ग्रह कैसे हो तो कुंडली देखने के बाद ही मालूम चलेगा। व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुंडली दिखवाना है, कुछ आप अच्छा पे करके कुंडली दिखवा सकते हैं। वीडियो से लाइक के सब्सक्राइब को शेयर जरूर करेगा। जय हिंद, जय भारत।